जम्मू कश्मीर में मौसम ने करवट ली है। बारामूला के गुलमर्ग में मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जिसका लोगों ने जमकर मजा लिया, तो वहीं यातायात पर इसका बुरा असर देखने को मिला। कश्मीर में 5 महीने के सूखे के बाद गुलमर्ग समेत यहां के ऊंचाई वाले स्थानों में बर्फ पड़ी, तो वहीं मैदानी इलाकों में बारिश हुई, जिससे यहां का मौसम और गुलजार हो गया। बादल छाए रहने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। दरअसल करीब 4 दशक में यह पहली बार हुआ है कि कश्मीर में 5 महीने तक बर्फबारी नहीं हुई। अधिकारियों की माने तो बर्फबारी होने से नए साल के मौके पर यहां आने वाले सैलानियों में खुशी की लहर है। इसके साथ ही गुलमर्ग के आसपास खिल्लनमर्ग, कोंगडोरी और अप्पेरवाद समेत चारों ओर करीब 1 फुट तक बर्फ जम गई है। बताया जा रहा है कि उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले समेत कुपवाड़ा, बांदीपोरा और बारामूला के ऊपरी इलाकों और दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा और कुलगाम के ऊपरी इलाकों में भारी बर्फबारी हुई। इसके अलावा केरन, माछिल, कंडराहा, गुरेज और अमरनाथ गुफा और इसके आसपास के इलाकों में भी बर्फ पड़ी है। हालांकि बर्फबारी ने जम्मू श्रीनगर के नेशनल हाईवे को अपनी चपेट में ले लिया है। मौसम की पहली बर्फबारी और बारिश के चलते लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि पिछले 5 महीनों से बारिश नहीं होने की वजह से कश्मीर की लाइफलाइन झेलम सूखने की कगार पर आ गई थी। देखते रहिए एडीबी लाइव।